नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल आओ चले विज्ञान की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अज्ञानता ही अंधविश्वास की जननी है के बारे में ढेर सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अंधविश्वास शब्द का मतलब। तो अंधविश्वास का मतलब सीधा अंधविश्वास शब्द में ही छिपा हुआ है, अर्थात जब हम लोग किसी बात या परंपरा को बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए, आंख बंद करके विश्वास कर मान लेते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती भी रहती है, तो इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास से हमारे अग्रिम विकास की दर बहुत ही धीमी हो जाती है या रुक जाती है। हम किसी बात या परंपरा को विज्ञान व तर्क की कसौटी पर कसकर देखें, तब क्या ये आज के हालात में मानना या करना उचित है समझें। जब तर्क व विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे तब उस कार्य को करना चाहिए, ना कि अंधविश्वासी बनकर। बुद्धि और विवेक में हमें विवेक का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी क्रम में आपको मैं एक गांव की परंपरा के बारे में बताता हूं, जहां एक परंपरा बन गई थी कि किसी बड़े कार्यक्रम में खाना के दौरान कोई अशुभ ना हो, खाना कम ना पड़े, तो भतौर में यानी कि जहां खाना बना हुआ रखा होता है, एक बिल्ली मारकर दबा दी जाती थी। अब ये परंपरा एक वहां पर बनी हुई थी, तो अब यह परंपरा कैसे बनी हम आप लोगों को बताते हैं। एक बार की बात है, एक वहां पर बड़े कार्यक्रम में खाना बिल्कुल बनकर तैयार ही था, सब्जी कढ़ाई पर खोल रही थी, बनने वाली थी कि तभी अचानक एक बिल्ली उस सब्जी की कढ़ाई में गिर गई कहीं से, तो बिल्ली मर गई। अब बाहर जमा भीड़ हो चुकी थी खाने के लिए, वहां पे मौजूदा लोगों ने सोची कि अब क्या किया जाए, यदि इस बिल्ली को बाहर फेंकने जाएंगे तो लोग देख लेंगे, फिर कोई सब्जी नहीं खाएगा और इतना समय अब नहीं है कि सब्जी दोबारा बनाई जाए। तो वहां पे जो मौजूद लोग थे, तीन चार लोग, उन्होंने उस बिल्ली को वहीं पर मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी दबाने का काम चल ही रहा था कि तभी अचानक एक सज्जन भागते हुए आए और बोले, चचा अरे ये क्या कर रहे हो आप, ये बिल्ली को क्या कर रहे हो, बाहर इतनी जमा भीड़ हो चुकी है, खाना जल्दी शुरू करवाओ। तभी वहां पे मौजूद लोगों ने सोचा कि अगर इस सज्जन को सही बात बता देंगे तो ये बाहर जरूर बता देगा, क्योंकि इसके पेट में कोई बात नहीं रुकती है। तो तुरंत चचा वहां होशियार थे, तो उन्होंने बोल दिया कि अरे बेटा, भतौर में ये बिल्ली दबाई जा रही है इसलिए क्योंकि एक ज्योतिषी ने बताया था कि यदि बिल्ली भतौर में दबा दो तो कोई कार्यक्रम अशुभ नहीं होता है, किसी प्रकार से सब्जी खाना कम नहीं पड़ता है, तो अभी हम खिलवा देंगे। फिर क्या था, यही परंपरा उस गांव में चल पड़ी, कोई भी कार्यक्रम हो तो भतौर में एक बिल्ली मारकर दबा दी जाती थी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उस समय हालात समय देखते हुए कोई परंपरा बन गई, लेकिन फिर उसी बात को, उसी परंपरा को समय उपरांत मानते चले जाएं, करते चले जाएं, तो ये घोर अंधविश्वास है। अतः किसी बात या परंपरा का हम पहले ज्ञान करें कि आखिर हम ये क्यों मान रहे हैं, कर रहे हैं। जब वह बात सही समझ में आए तर्क व विज्ञान की कसौटी पर, तब उसे हमें करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अज्ञानता ही अंधविश्वास की जननी है। तो
तो इसी क्रम में दोस्तों मैं आप लोगों को एक जादू दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, ये एक हमारे हाथ में एक डिब्बी है जिसमें एक सफेद कागज के ऊपर चमकीली बिंदी लगी हुई है, ठीक है। और ये है मेरे हाथ में एक रुपया। ये देखिए, दूना धन करने की मशीन समझे आप। अब मैं ये एक रुपया इसमें डाल रहा हूं, ये एक रुपया मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये दो रुपए बन गए। देखिए, ये देखिए, ये दो रुपए बन गए। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं उठा के, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो ये दो रुपए बन गए। अब मैं सिखा रहा हूं, तो देखिए, ये किसी बोतल या सिरप के ऊपर जो आती है प्लास्टिक की ढक्कन, वही है ये। इसमें एक सफेद कागज लगाकर उसमें एक बिंदी लगा लीजिए, और ये इसमें एक रुपए के ऊपर वैसी ही बिल्कुल आप लगा लीजिए, बिल्कुल वैसी ही इसके ऊपर लगा लीजिए। अब जब ये रुपया इसमें डला हुआ होगा तो पता नहीं चलेगा, ये मालूम पड़ेगा कि इसकी तली में कागज लगा हुआ है। जब इसमें एक रुपये डालेंगे ये, और जब इसको ऐसे निकालेंगे तो वो अंदर वाला भी निकल के बाहर आ जाएगा, और उसमें पहले से जो लगा हुआ है कागज और बिंदी वो फिर दिखाई देने लगेगा, तो लोग समझेंगे कि एक रुपए के दो रुपए बन गए। तो ये इसका बनाने का तरीका था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा जादू, और जादू एक कला है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि इस कला से कोई ठगे, दूना धन करे, लोग ठगे जाते हैं। तो आप लोगों को आज ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।